Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of ICT virtual class. Today we are continue our chapter, that is noun. जैसे हम पहले noun कर रहे थे तो इसी को आज हम जो है continue करेंगे. तो noun की definition मैंने बताई थी और definition को justify भी हमने करा था कि जैसे बताया था मैंने person, thing. ठीक है, तो आज जो है हम काइंड ऑफ नाउन भी बताए थे और वन बाय वन जो है आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे. तो नाउन की डेफिनेशन मैंने कल बताई थी और काइंड बताए थे कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल टू टाइप्स के नाउन होते हैं. जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको बोलते हैं काउंटेबल और जिनको नहीं काउंट करते उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल. ठीक है, काउंटेबल इज फर्दर डिवाइड करे थे हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन. और फर्दर जो है हमने अनकाउंटेबल नाउन को डिवाइड करा था टू में, एक था एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरा था मटेरियल नाउन. तो आज जो है हम वन बाय वन जो है एक एक करके जो है प्रॉपर नाउन को करेंगे फिर कॉमन नाउन को साइमल्टेनियसली. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. आज हम पढ़ेंगे नाउन, क्योंकि हमने जो है सेकंड चैप्टर हमने जो है कंप्लीट कर लिया है. तो उसी से जो है कल भी मैंने आपको बताया था कि चैप्टर के बाद जो है नाउन की एक्सरसाइज थी, तो हमने इसीलिए जो है हम ग्रामर पोर्शन भी साइड बाय साइड कर रहे हैं. तो नाउन, तो कल मैंने जो नाउन बताया था एक वाइस करा देती हूँ कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं. तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, लेक्चर मिस हो गया है, तो प्लीज आप जो है इसको दोबारा देख लें कि नाउन तो इसको हम एक बारी और लिख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम वन बाय वन जो है सबको करेंगे. तो नाउन इज कितने होते हैं, टू. वन इज काउंटेबल और सेकंड इज योर नॉन काउंटेबल. सिंपल से काउंट, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वेरी सिंपल. ठीक है, इससे याद कर लो, जैसे गिनती काउंट करते हैं ना, वन टू थ्री फोर काउंटेबल. ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको बोलेंगे हम काउंटेबल नाउन और जो नहीं कर सकते हैं उनको बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन. जैसे कल हमने एक्सरसाइज करी थी तब मैंने आपको बताया था जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं या मटेरियल नाउन होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते. गोल्ड को आप काउंट नहीं कर सकते, किसी की ऑनेस्टी को आप काउंट नहीं कर सकते, विजडम को काउंट नहीं कर सकते. तो वो जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं. और मटेरियल नाउन जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ग्लास हो गया, कॉटन, वी कांट काउंट देम, हम नहीं कर सकते उनको काउंट. तो उनको क्या बोलेंगे हम, नॉन काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल यू कैन से. और हम इनको क्या बोल सकते हैं, अनकाउंटेबल. ठीक है, एप्रोप्रिएट वर्ड इज अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वी कांट काउंट देम. ठीक है, तो अब मैंने कल ये भी बताया था आपको कि काउंटेबल नाउन जो है फर्दर डिवाइड होते हैं थ्री में. वन इज योर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन. ठीक है, ये भी जो है हमारे फर्दर डिवाइड होते हैं टू में. तो ये जो है कल का रिवीजन है, जिन्होंने लिखा है इट्स ओके, अगर जिन्होंने नहीं लिखा है प्लीज इनको लिख लें. एक होता हमारा मटेरियल नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कल मैंने आपको बताया था
कि प्रॉपर नाउन क्या होता है हमारा, व्यक्तिवाचक होता है, कॉमन नाउन होता है हमारा, जातिवाचक होता है, कलेक्टिव नाउन होता है हमारा, समूहवाचक होता है, और मटेरियल नाउन को हम बोलते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारा भाववाचक। तो ये जो है कल का रिविजन था, तो ये मैंने थोड़ा सा स्लैंटिंग सी हो गई, इसको जो है थोड़ा सा सीधे कर देते हैं, स्ट्रेट नहीं है, तो आप लोग जो स्केल के हेल्प से बनाए, ठीक है, कर्व थी लाइन, तो उसको मैंने स्ट्रेट कर दी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, अनकाउंटेबल नाउन, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज भाववाचक, जिसमें हमारे भाव जुड़े रहते हैं या जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी को किसी की काउंट नहीं कर सकते आप, जज कर सकते हो उसको, ठीक है, फील कर सकते हो, ठीक है। अब हम जो है वन बाय वन जो है करेंगे, पहले हम करेंगे प्रॉपर नाउन। तो पहले हम करेंगे काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में हम करेंगे प्रॉपर नाउन, फर्स्ट वन इज योर प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, द नाउन, अब ध्यान से देखिए, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन। अब प्रॉपर करिए स्पेसिफिक, अगर हम किसी पर्सन का नाम लेंगे या कोई प्लेस का नाम लेंगे या कोई थिंग का नाम लेंगे तो उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। द नाउन विच डिनोट्स, विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन पर्सन प्लेस और थिंग। अगर हम किसी प्रॉपर प्लेस की बात करेंगे या कोई प्रॉपर पर्सन स्पेसिफिक नेम ले रहे हैं या कोई प्रॉपर थिंग है तो वहां पे जो है क्या यू उसको क्या कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर पर्सन प्लेस और थिंग, प्रॉपर पर्सन इससे आपको क्लियर होगा कि हम जो है उसकी डेफिनेशन डेफिनेशन को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग, ठीक है। प्रॉपर पर्सन मीन्स जैसे हम किसी का स्पेसिफिक नेम लेते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा, मोहन है, श्याम है, राम है, किसी का भी कोई फ्रेंड का नाम हो गया, पेरेंट्स का नाम हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स का नाम हो गया, सिस्टर का नाम हो गया। पर्टिकुलर अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो वो कहलाएगा प्रॉपर पर्सन। दूसरा है प्रॉपर प्लेस। अगर हम किसी प्रॉपर प्लेस की बात कर रहे हैं, जैसे कल मैंने बताया था लखनऊ का नाम ले रहे हैं, दिल्ली का नाम ले रहे हैं, मुंबई का नाम ले रहे हैं, देहरादून का नाम ले रहे हैं, तो हम पर्टिकुलर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस, हम एक प्रॉपर प्लेस का नाम ले रहे हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर प्लेस। अगर आपको मार्क करने के लिए आएगा, अगर मोहन लिखा होगा तो आप लिखेंगे प्रॉपर प्रॉपर नाउन, ठीक है। देहरादून लिखा होगा तो क्या होगा, वो भी प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेस। अगर प्रॉपर थिंग जैसे पार्कर पेन है या सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग बोलेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर थिंग की बात कर रहे हैं तो भी हमारे क्या कहलाएगा, वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। प्रॉपर थिंग, अगर हम कोई बुक की, जैसे बुक तो बहुत सारी होती है, अगर हम पर्टिकुलर एक बुक का नाम ले रहे हैं, गीता, ठीक है, कुरान, एक पर्टिकुलर हम किस, रामायण, तो हम क्या करें, पर्टिकुलर एक बुक का नाम ले रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉपर थिंग, ठीक है। या मार्कर का, वो सॉरी पार्कर का पेन है, क्योंकि अगर मैं पेन बोलूंगी तो पेन क्या है, सबके लिए हम बोलते हैं पेन, आई हैव अ पेन, अब कौन सा पेन है हमें नहीं पता। अगर मैं कहूंगी आई हैव अ पार्कर पेन, ठीक है, तो इट मीन्स
क्या हो रहा है, वो प्रॉपर पार्कर की बात कर रही हूं मैं, प्रॉपर पेन की बात कर रही हूं, ठीक है। ये सैमसंग का मोबाइल है, तो सैमसंग अगर मैं बोलूंगा आई हैव अ मोबाइल, तो क्या होगा कि मेरे पास मोबाइल है। अब कौन सा है यहाँ पे जो है स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर मैं बोलूंगी सैमसंग का मोबाइल है या एप्पल का मोबाइल है, तो क्या होगा, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, एक पर्टिकुलर की बात कर रही हूं, तो उसको बोलेंगे हम प्रॉपर थिंग। तो मोबाइल और पेन क्या हो गया हमारे कॉमन नाउन है, और अगर हमने पर्टिकुलर पार्कर बोला है या सैमसंग बोला है, तो ऑब्वियस है कि हम जो है पर्टिकुलर एक थिंग की बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। क्लियर? तो ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन वो होता है द नाउन विच डिनोट्स, वो नाउन जो डिनोट्स करता है प्रॉपर, ये दो बारी लिख गए बच्चों, ठीक है, डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन प्लेस और थिंग। प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग, यहाँ पे मैंने इसको और क्लियर कर दिया है, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर कॉमन नाउन। व्हाट इज द डेफिनेशन, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन, विच डिनोट्स अ कॉमन, अब वही सेम आएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर नाम लिया था, अब हम क्या लिखेंगे, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग, ठीक है। क्या डिफरेंस है, ओनली द डिफरेंस ऑफ प्रॉपर एंड कॉमन, ठीक है। The noun which denotes common person, place or thing, ठीक है। अब इसको भी जस्टिफाई करते हैं कि कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग, बस खाली क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने प्रॉपर बोला हर चीज जो है पर्टिकुलर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पे हम जो है कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग की बात करेंगे। कॉमन पर्सन, तो कॉमन पर्सन कैसे हो गया, जैसे हम सारे लड़कों के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, बॉय, लड़कियों के क्या यूज करते हैं, गर्ल, ठीक है। आदमी के लिए क्या यूज करते हैं, मैन, एक होगा तो मैन, बहुत सारे होंगे तो आई मैन, ठीक है, और वुमेन। तो हम जो है एक कॉमनली नाम ले रहे हैं, जैसे पैन बोलूंगी तो ये क्या है, थिंग का हो गया, कॉमन थिंग हो गई, ठीक है। तो कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग, बॉय, कॉमन नाम ले लिए, कोई सा भी लड़का है, राम है, श्याम है, सीता, राम है, श्याम है, मोहन है, गोपाल है, किसी का भी नाम होगा वहां पे, कोई भी लड़के खड़ेंगे तो हम कहेंगे बॉयज, कॉमन नेम, कॉमन नाम ले रहे हैं हम उनके लिए, ठीक है। तो कॉमन पर्सन बॉय, लड़कियां खड़ी हैं तो हम कहेंगे गर्ल, गर्ल्स, ठीक है, या बॉयज, मैन, वुमेन, ठीक है। अगर कॉमन प्लेस की बात करेंगे तो स्कूल, अब बहुत सारे स्कूल हैं, ठीक है, गवर्नमेंट DGIC है, ठीक है, और आर्यन स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है,
बहुत सारे हैं। अगर हम खाली स्कूल बोलेंगे, कॉमन सारी स्कूलों के लिए, पर्टिकुलर हम नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हम नाम नहीं ले रहे हैं उनके, हम क्या कह रहे हैं, कॉमन नेम दे रहे हैं उनको, कॉमन प्लेस। जैसे स्कूल, अगर स्कूल बोलेंगे तो कोई सा भी हो सकता है, वो GGIC हो सकता है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्कूल इज कॉमन फॉर ऑल स्कूल, तो दिस इज कॉमन प्लेस। या कोई गांव है, ठीक है, तो हम पर्टिकुलर गांव का नाम नहीं ले रहे, हम कह रहे विलेज या टाउन, ठीक है। सबके गांव के नाम अलग-अलग होते हैं ना, तो मैं कहूंगी कि जैसे किसी ने बोला कि वो उस गांव में रहता है, ठीक है। तो बट अगर वो गांव का नाम लिखता है तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर वो खाली बोलेगा कि आई लिव इन द विलेज, गांव में रहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन, ये टाउन की बात करेंगे, ठीक है। या कोई टाउन है, जब तक हम नाम नहीं लेंगे, सिटी कौन सी सिटी है, कोई सी भी हो सकती है, तो इट इज योर कॉमन प्लेस, हम कॉमन प्लेस कॉमन नाम ले रहे हैं उनके लिए, ठीक है। इट्स अ कॉमन नेम फॉर ऑल स्कूल, ऑल विलेज एंड ऑल टाउन, कॉमन थिंग। बुक किन, बुक बोलूंगी तो कोई सी भी बुक हो सकती है, वो आपकी इंग्लिश की पर्टिकुलर नाम हो सकता है, इंग्लिश की बुक का नाम हो सकता है, हनी सकल हो सकता है, हनी कोम हो सकता है, ठीक है, हनी ड्यू हो सकता है, कोई सी भी बुक। अगर हम पर्टिकुलर बुक का नाम लेंगे तो प्रॉपर नाम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम खाली बोलेंगे बुक तो वो हो जाएगा कॉमन नेम। या जैसे अभी मैंने बताया था पैन, ठीक है, कोई सा भी पेन हो सकता है, वो चैलो का भी हो सकता है, पार्कर का भी हो सकता है। ये मोबाइल की बात कर रहे थे अभी, डिफरेंट होते हैं मोबाइल, सब बच्चों को पता होगा, आजकल तो सब बच्चों को पता रहता है कि कौन सा मोबाइल है, कौन सी कंपनी का मोबाइल है, ठीक है। तो मोबाइल हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये क्या है, कॉमन नेम है, ठीक है। बुक, पेन, मोबाइल, कॉमन, हम सारे पेन के लिए क्या बोलेंगे, पेन बोल देंगे, सारी बुक्स के लिए बुक बोलते हैं। तो दिस इज योर कॉमन नेम फॉर ऑल द बुक्स, ऑल द पेन, ऑल द मोबाइल। तो ये था हमारा क्या, कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज योर कलेक्टिव नाउन। अब ये सारे क्या है, काउंटेबल हैं। अगर चार लड़के खड़े हैं तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, स्कूलों को हम काउंट कर सकते हैं, बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव से ही पता चल रहा है, समूहवाचक। क्या है ये, समूहवाचक, कि हम एक ग्रुप को या एक समूह को, झुंड को क्या करें, हम वन नेम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसकी क्या है डेफिनेशन, द नाउन विच डिनोट्स नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन। अगर हम किसी ग्रुप है पर्सन का, ग्रुप ऑफ पर्सन, और अदर क्रिएचर ठीक है, पर्सन और अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ पर्सन, समूह लोगों का क्या है, एक समूह, क्रिएचर कोई एनिमल भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, बर्ड्स भी हो सकती हैं, थिंग कोई भी थिंग होगी, जैसे पैक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं हम, ठीक है, तो ये उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। अब आपकी जो एक्सरसाइज आई थी सेकंड चैप्टर के, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, तो
उसके पीछे जो एक्सरसाइज थी उसमें आया था आपका कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन यहाँ पे आप समझ लें, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब इसको जैसे अगर मैंने बोला ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, तो कैसे करके ग्रुप ऑफ पर्सन, तो नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको जस्टिफाई करेंगे डेफिनेशन को। जब हम कह रहे ग्रुप ऑफ पर्सन, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हम बोलते हैं सेलर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेलर्स, एक क्रू ऑफ सेलर्स, प्लेयर्स की जो होती है पूरी होते हैं 11 होते हैं, तो उनको एक ग्रुप होता है उनका, तो क्या बोलेंगे हम, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, स्टूडेंट्स की क्या होती है, क्लास होती है, तो क्या बोलते हैं, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्लास क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि एक समूह के लिए, क्योंकि सारे बच्चों के लिए हम जो है वन वर्ड यूज कर रहे हैं क्लास, तो क्लास क्या आएगा आपका, कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अब बहुत सारे सिपाही होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो इस तरह से जो है आप जो है इसको लिख सकते हैं, और भी है सो मेनी, बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, परीक्षा की मंडली, तो कुछ में यहाँ पे सर्किल ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों की मंडली, ए गैंग ऑफ थीव्स, थीव्स का होता है ना चोरों का गैंग बोलते हैं ना, ए गैंग ऑफ थीव्स, ए यूनियन ऑफ वर्कर्स, ए पैक ऑफ फूल्स, मूर्खों का झुंड, ठीक है, एक क्यू ऑफ पीपल, जब एक लाइन में खड़े रहते हैं तो क्या बोलते हैं, क्यू ऑफ पीपल। तो जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ, और आप लोग जो है बुक में जाके देखें इसको, अ क्रू ऑफ सेलर, अ टीम ऑफ प्लेयर, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग घर में जाके अपनी लैंग्वेज की बुक है आपकी तो उसमें देखें उसको, ए पैक ऑफ फूल्स, ए बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, परीक्षकों का ग्रुप, ए पैक ऑफ फूल्स, बहुत सारे हैं सेंटेंसेस, तो आप लोग दो देखें कि क्या वन वर्ड दे रखा है, ये ग्रुप है, ग्रुप को हमने क्या दे रखा है, वन वर्ड, कलेक्टिवली जो हमने उनको क्या दिया, एक नाम दिया है, बहुत सारे सेलर्स हैं, नाव चलाते हैं जो सेलर्स, तो उनके लिए हमने एक वर्ड दिया है क्रू, तो एक ग्रुप है उनका, उसको हमने एक नाम दिया है क्रू। जैसे बहुत सारे लोग खड़े रहते, भीड़ लगी है तो हम क्या कहते हैं, क्राउड। प्लेयर्स, अब बहुत सारे प्लेयर्स खड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे, प्लेयर्स हैं, जैसे 11 हैं किसी टीम में तो क्या बोलेंगे, टीम ऑफ प्लेयर्स। स्टूडेंट्स, एक क्लास में होते हैं 40-50 स्टूडेंट्स होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ए पैक ऑफ फूल्स, ऐसी जो है आप लोग जो है उसको चेक करें अपने बुक में और लर्न करें इनको। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, अगर हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ थिंग्स, इसके एग्जाम्पल देखें, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, तो हम फ्लावर्स बहुत सारे होते हैं तो क्या कहते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, गुच्छा, फूलों का क्या है, गुच्छा।
अब बुक्स होती हैं, तो बुक्स कहाँ होती है? लाइब्रेरी में. तो बहुत सारी बुक्स लगी रहती है, तभी हम उसको क्या देते हैं, वन वर्ड देते हैं, लाइब्रेरी. ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. फ्लीट ऑफ शिप्स, ए फ्लीट शिप्स. ठीक है, बहुत सारी जो खड़ी रहती हैं तो उसको बोलते हैं ए फ्लीट. ठीक है, तो जो भी अगर कोई थिंग है, तो अगर उसके ग्रुप है बहुत सारी रखी हैं, तो हम उसके लिए वन वर्ड देते हैं. कलेक्टिवली हम जो है उनका क्या नाम देते हैं, वन नाम देते हैं. जैसे ए बेल ऑफ कॉटन. अब कॉटन रखी रहती है तो हम क्या बोलते हैं उसके लिए, ए बेल, बंडल जो रखा रहता है उसको बोलेंगे बेल ऑफ कॉटन. ए क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं तो क्या बोलते हैं हम, ए क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स, कि ये टापुओं का समूह. और इसको एक ग्रुप ऑफ आइलैंड भी बोलते हैं, तो दोनों जो है सही है. एन एल्बम ऑफ फोटोज, जब बहुत सारे हम एक फोटो लगा देते हैं तो क्या नाम रख देते हैं उसका, सबको पता होगा, सबके घर में होगी एल्बम, एन एल्बम ऑफ फोटोज. तो कॉमन जो है मैंने यहाँ लिखे हैं, आप लोग बुक में और पढ़े, बहुत सारे हैं, और इनको लर्न भी करें, क्योंकि ये जो हमारे कई बार यूज होता है तो हम लोग गलत वर्ड यूज कर लेते हैं. जैसे कॉटन है तो वहां पे बंडल ऑफ कॉटन नहीं बोलते हैं, बेल ऑफ कॉटन बोलते हैं. ठीक है, रुई का क्या है, बेल, ढेर. एक क्लच ऑफ एग्स, अंडों का कैरेट. ए फ्लीट ऑफ कार्स, जैसे ए फ्लीट ऑफ शिप्स होता है ऐसे होता है ए फ्लीट ऑफ कार्स. तो कार जहां पे रखते हैं बहुत सारी तो बोलेंगे ए फ्लीट ऑफ कार्स. अब देखते हैं हम कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, क्रिएचर की बात करी थी तो बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, तो उसके एग्जाम्पल देखते हैं हम. तो आई थिंक ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम ग्रुप जस्टिफाई करें. हम डेफिनेशन में हमने लिखा था एक ग्रुप ऑफ पर्सन को कलेक्टिवली क्या देते हैं हम, वी गिव वन नेम. तो जैसे यहाँ पे क्या पर्सन की बात करी, थिंग्स की बात करी, इंडिविजुअली हमने किस तरह से उनको जो है एक नाम दिया है, बंच ऑफ फ्लावर्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज योर कलेक्शन ऑफ एनिमल्स. अब यहाँ पे एक कि यहाँ पे हमने कलेक्शन ऑफ थिंग्स लिए थे क्योंकि हम जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है इसको हटा देते हैं. ठीक है, कॉटन जो है अनकाउंटेबल है, और अभी हम जो है काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं. तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स में बताया मैंने, बंच ऑफ फ्लावर्स हो गया, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स हो गया, ए फ्लीट ऑफ शिप्स हो गया, एन एल्बम ऑफ फोटोज हो गया, ए क्लस्टर ऑफ आइलैंड हो गया. ठीक है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड यू कैन से, प्लेस की जगह हो गई है. ठीक है, एक क्लच ऑफ एग्स हो गया, अब हम बात कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. इसके लिए हम क्या कलेक्टिवली हम कैसे नाम दे सकते हैं? ठीक है, अब बहुत सारे लाइन होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ए ट्रुप ऑफ लाइन्स. ठीक है, शेरों का दल, ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज, बहुत सारी मक्खियां हैं तो क्या बोलेंगे, ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज. ए ग्रुप ऑफ फ्लाइज नहीं बोलना है आपको, इस स्वार्म, पर्टिकुलरली कलेक्टिवली जो है एक नाम दिया है, अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज. फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट्स, उड़ते हुए कीड़ों का झुंड.
एक कॉलम ऑफ आंट्स, चींटियों की एक टुकड़ी उसको बोलते हैं, ठीक है। एक कॉलोनी ऑफ टर्माइट्स, दीमकों का झुंड, एन आर्मी ऑफ आंट्स, आंट्स की क्या होती है, आर्मी बोलते हैं। वो सारी चींटियां जो हैं एक साथ जाती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, एन आर्मी ऑफ आंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं लिख देती हूँ तो आप लोग जो है घर में इसको और रिवाइज करें। ए ट्रुप ऑफ लाइन्स, ठीक है, शेरों का दल, ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज, फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट्स, उड़ते हुए कीड़ों का, ठीक है, फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों। ए कॉलम ऑफ आंट्स या एन आर्मी ऑफ आंट्स, जब बहुत सारी चींटी जाती हैं तो हम बोलते हैं एन आर्मी ऑफ आंट्स। बहुत सारी देखा, एक के पीछे जो है कैरी करती हैं, और देखो कितनी मेहनत करती हैं, वो चलती रहती हैं एक उसमें, और समर में ज्यादातर निकलती हैं। और अगर थोड़ी सी होंगी तो हम क्या बोलेंगे, ए कॉलम ऑफ आंट्स, ठीक है, चींटियों की टुकड़ी, तो बोलेंगे ए कॉलम ऑफ आंट्स। ए ब्रूट ऑफ चिकन्स, ये आपके बुक में भी आया था, ए ब्रूड ऑफ चिक्स या चिकन्स। तो ये वाला सेंटेंस जो है मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी बताया था, आपको जब वहां पे कलेक्टिव नाउन भर रहे थे वहां पे फिल इन द ब्लैंक था अ डैश ऑफ चिक्स, तो हमने यहाँ भरना था अ ब्रूड ऑफ चिक्स। तो ये था हमारा कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये था हमारा काउंटेबल, काउंटेबल नाउन का क्या थर्ड था, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को भी फर्दर हमने तीन में डिवाइड करा था, तो कौन कौन से बताया था, क्योंकि डेफिनेशन में था तो उसी को हमने जस्टिफाई करा एग्जाम्पल की हेल्प से। अब हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन, सेकेंड क्या है हमारा, अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल में जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हो गया आपका, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ऑनेस्टी हो गया, विजडम हो गया, इनको क्या है, हम काउंट नहीं कर सकते। गोल्ड हो गया आपका, कॉटन हो गया, ऑयल, ग्लास, कॉमन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, गोल्ड हो गया, ग्लास हो गया, ऑयल, कॉफी, ऑनेस्टी, विजडम, क्रुएल्टी, ये सारे क्या हमारे अनकाउंटेबल हैं, हम काउंट ही नहीं कर सकते इनको, ठीक है। इनके अपनी अपनी यूनिट होती है, या जैसे हमने कॉटन के लिए क्या लिखा था, कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं अ बेल ऑफ, तो पर्टिकुलर अगर एक वो होगा तो उसको बोलेंगे ए बेल ऑफ, ठीक है। दूसरा होगा तो उसको हम जो है उसके हिसाब से जो है कलेक्टिवली जो है हम उनको काउंट कर सकते हैं।
पर यहाँ पे जो है ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते, ग्लास को काउंट नहीं कर सकते, कॉफी है, किसी की ईमानदारी को यू कांट काउंट काउंटेड, कैसे काउंट करेंगे, विजडम है उसका, ठीक है, तो उसको हम जो है काउंट नहीं कर सकते। ये आपके उसमें भी आया था, टेक्स्ट के बीच में भी आए थे ये वर्ड्स, ऑनेस्टी, ठीक है, फेथफुल। अब है एब्स्ट्रैक्ट, दो बताए थे मैंने इसमें, एक मटेरियल नाउन बताया था और दूसरा क्या बताया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, वो जो मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल में क्या है, ये मटेरियल नाउन है, ये मटेरियल नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मटेरियल नाउन में क्या आएगा आपका, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ग्लास हो गया, स्टील हो गया, तो हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। और वैसे हमारी कॉटन दी रहेगी तो हम उसको भी काउंट नहीं कर सकते। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, तो इसी को कल कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन करा है, और कल जो है आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और एडजेक्टिव से कैसे हम जो है नाउन फॉर्म बनाते हैं, तो ये जो आपके टेक्स्ट में आया था उसी को उसको भी हम दोबारा आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप जो है चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग जो है इसको रिवाइज करें घर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।